हाँ पता है पता है, तुम लोग क्या सोच रहे होंगे कि कैडेवर कब से शर्ट पहनने लग गए। देखो सीधी बात, में बकवास ना, हमारे में इतना गूदा है और ना हमारी ऐसी बॉडी कि हम शर्टलेस आ जाए कैमरे के सामने। सो जस्ट यू नो डील विद इट। हेलो, मैं सौरभ चौधरी, मैं जयपुर से हूँ। मैं जयपुर से था एंड मेरी मौत हुई बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। अब ये चूतिए नकारे फर्स्ट ईयर वालों को मेरा ये नाम तो पता नहीं है। कडेवर कडेवर बुलाते रहते हैं फॉर नॉन मेडिकल्स। कडेवर मतलब डेड बॉडी, वो तुम लोग मेडिकल वालों को बोलते रहते ना। ये तुम लोग चीरफाड़ करते हो ना भाई। कडेवर कडेवर बुलाते रहते हैं ये। शुरुआत में तो हमको बड़ा चूतिया नाम लगता था। क्या है यार ये कडेवर, इट डजेंट सूट माई पर्सनैलिटी, बट लेटर ऑन इट टर्न्ड आउट टू बी कूल। तो हमेशा की तरह हमको 2 बजे फॉर्मलिन के स्विमिंग पूल से निकाल कर एक टेबल पे लिटा दिया जाता है नंगा, और फिर हमको चारों तरफ से घेरते हैं दुनिया के सबसे चुनिंदा चूतिए नकारे निकम्मे निहायती बकवास फर्स्ट ईयर निबारणिक भी। और या फिर चालू होता है एक तो बहन चोद, हमारी टेबल टीचर्स टेबल से 7 कोस दूर है, और न जाने क्यों अनोइंगली इस कॉलेज के ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हर बार इस टेबल पे कॉलेज के सबसे सुअर लोग आके मरते हैं। ओ बकचोदी कैसे ना हो। बट चलो कोई बात नहीं, हमने सोचा यार बच्चे हैं, चूती हैं, लेकिन बच्चे हैं, सीख रहे हैं, हमसे कुछ सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम फाइन। सीख रहे हैं, हाँ सीख रहे हैं। एक तरफ हमारे टेस्टिकल्स को ऐसे हवा में हेलीकॉप्टर की तरह घुमा रहे हैं, एक तरफ हमारे लिवर के साथ वेट लिफ्टिंग चल रही है, कुछ लोग तो ग्लव्स में हवा फुलाकर ही खुश हो रहे हैं। और भयंचोद हमारा निप्पल कौन लेके गया है? बोल में कल रखे थे 2, अभी एक ही है। सब सारे कैडेवरों के 2 निप्पल इंटैक्ट है, हमारा एक ही है। इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है यार। एक बात बताओ चूतियो, जब तुम्हारे टीचर तुम्हें कुछ बोलते हैं तो तुम्हारे नाक के साथ साथ तुम्हारे कान में भी फॉर्मेलिन घुस जाता है क्या? जब तुम्हारे टीचर ने तुमको बोला हुआ है कि फोटो नहीं लेनी है तो नहीं लेनी है। नहीं, हम तो भेजेंगे फोटो खींच के, दोस्तों को भेजेंगे, घर वालों को भेजेंगे, बे मतलब हमारी ऑल ओवर इंडिया न्यूड पिक सर्कुलेट हो रही है। ये बंद कर दो अभी। हेलो पुलिस स्टेशन, इन चूतियों को लेकर जाओ। हमारे टेबल पे जितने भी विचित्र जीव जंतु मिलते हैं ना, उनमें से एक ऐसी चूतिया प्रजाति है जिसने सेशन स्टार्टिंग से हमारे कान में दर्द कर रखा है। चे 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 चे, इन बड़बों को डायसेक्शन कभी नहीं करना होता, इनके पास 3 काम है। आओ अटेंडेंस दो, लड़कियां ताड़ो, दैट्स इट। इनके सेशन चलते हैं साइट सीइंग के, कभी रिया की साइट सीइंग, कभी प्रिया की साइट सीइंग, कभी रेखा की साइट सीइंग, कभी जानकी की साइट सीइंग। मतलब बहन चोद हमारा यहाँ निकला पड़ा लीवर, पर उन चूतियों को क्या, उनके तो सर पे चढ़ा हुआ है ठराक का फीवर, और दुनिया की सारी बकवास बातें पेल देंगे। भाई यार हरीश इतना चूतिया है ना, मतलब दारू पीने के बाद बोतल छुपानी होती है ना। हाँ बेबो है ही चूतिया, मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया ही चूतिया है। हाँ यार मैं क्या कह रहा था ना, आज KGF नहीं देखने चलेंगे रे, काफी हाइप मूवी है बे मतलब की। भाई तू भी चूतिया ही है भाई, मैम को देख सही लग रही है आज, तमीज से चूती है भाभी है तेरी, तू वाकई एक नंबर का चूतिया है। भाई तेरा प्रॉम फिक्स हुआ क्या? हाँ मेरा भी हो गया। किसके साथ किसके साथ, तू बता, नहीं तू बता। अच्छा ठीक है ठीक है, रिया भूसड़ी कर रही है ना, तेरे को भी। वाह 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 भूसड़ी वालों, वाह क्या सेशन चल रहे हैं तुम्हारे। डायसेक्शन डायसेक्शन नहीं नहीं अबे हट बैंक, तुम लोग जहाँ बैठे हो तो सोफा है ना, चाचा का घर है ये तुम्हारा, मैं जहाँ लेटा पड़ा हूँ वो तो डाइनिंग टेबल, और हु एम आई एम जस्ट अ न्यूड गाय। ये इनकी रोज की कहानी है, डायसेक्शन बॉक्स में क्या क्या होता है वो नहीं पता होगा इन सालों को, लेकिन जब कभी कसाईयों वाले काम आ जाएंगे, जैसे कभी कभी स्कल तोड़ना होगा या शोल्डर जोन से हाथ निकालना होगा, तब सबसे आगे रहेंगे। और शोल्डर जोन से हाथ निकालना है, हाथ है ये, कोरोना नहीं है जिसको जड़ से निकालना है। इतने दम की क्या जरूरत है भाई, टिकटॉकर 14 महीने में एक बार डायसेक्शन करेंगे, मूड बनाएंगे साहबजादे, और उसमें भी ये मत समझ लेना खुद का डायसेक्शन बॉक्स लाएंगे। नान अबे हट, चूतिए लाते खुद का डायसेक्शन बॉक्स, वो चार लोग डायसेक्शन बॉक्स बेच आते अपना। हाँ कुछ फैट निकालने के लिए बोलो, साथ साथ में कूपन कोड लगा के कुछ आर्टरी कुछ नर्व्स भी निकाल देंगे, वेन्स काट देंगे। इन चूतियों को नर्व्स और आर्टरी में अंतर नहीं पता है क्या, हम इतने कॉम्प्लेक्स है? पर जब कभी टीचर पूछेगी कौन कौन सर्जन बनेगा आगे जाके, मैम मैम जैसे किसी लड़की के हाथ में स्काल्पल वगैरह लग जाए, इनकी तो नर्स बाहर आ जाती है अचानक से। क्या हुआ क्या हुआ, ओ माय गॉड, ड्रेसिंग ड्रेसिंग करो ड्रेसिंग करो ड्रेसिंग करो। वो महीने का एक दिन जिस दिन ये लोग डायसेक्शन करते हैं ना, उस दिन इनके खून में कबीर सिंह की मात्रा बढ़ जाती है, दिमाग में फुल टाइम इनके वड़ा वड़ा वाओ चलता रहता है। ऐसा मान लो उस दिन इनसे बड़ा सर्जन कोई नहीं है।
और कभी कभी तो साला पूरा ब्लेम मुझ पर डाल देंगे। ये बुक में इतना क्लियर दिख रहा है, ये कैडेवर में इतना क्लियर क्यों नहीं है? अपना कैडेवर ही चूतिया है। अबे इतना मन करता है कि रख के दूं, पर कैसे? शोल्डर डाउन से हाथ तो निकाल लिया। अबे वो निब्बे, अपने नेत्रों को थ्रिलिंग के ऊपर से हटाकर जरा हमारे लिंग, मेरा मतलब हम पर डालो, तो तुम्हारे दिमाग में जो कचरा है ना उसको साइड करके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अंदर जाएंगी। अखंड भे, पहले बहुत सही था यार, हमारा खौफ हुआ करता था। मतलब पहले ही दिन दो तीन लड़कियां तो ऐसे बेहोश कर देते थे हम, और अभी देखो टीचर की नजरों से बचने के लिए हमारी टेबल के जो तोता मैना है ना, हमारे पीछे छुप के ऐसे गुटर की गुटर को करते रहेंगे। प्यार अंधा होता है पता है, पर इतना भी अंधा नहीं होता कि सामने एक मरा हुआ आदमी नहीं दिख रहा तुमको। और कैसी कैसी बातें करेंगे यार, हमको हमारी बीवी शकुंतला की याद आ जाती है उससे। माना ठीक है साइड वाली टेबल पे लेटी पड़ी है वो, बट देखे कैसे हम देख नहीं पाते ना, बिकॉज ऑब्वियसली। चलो हर दिन के एंड में हम कैडेवर्स की भी हैप्पी एंडिंग हो ही जाती है, हम लोगों को भी वापस फॉर्मेलिन के स्विमिंग पूल में डाल दिया जाता है, एंड मी एंड माय वाइफ शकुंतला बिना हाथ पैरों के जस्ट फ्लोट एंड रिलैक्स। बट ये खुशी इतनी जल्दी मंजूर थोड़ी है किसी को, रेस्पेक्ट तो कोई तेल लगाने, पर जब तुम चूतियों ने पूरे साल मेरे साथ मराई है तो वाइवा के टाइम पे यूट्यूब पे तुम्हें किसी और कैडेवर के सॉफ्ट ऑर्गन्स और मसल्स की वीडियो देख के सेटिस्फाई क्यों होना होता है? क्या हम इतने कॉम्प्लेक्स है? नहीं यार ऐसे नहीं होता है, हम लोगों को भी थोड़ा फन चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए अपनी लाइफ में, आफ्टर लाइफ में।